व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। अरे नहार सलोनी जल्दी करो भाई, रास्ते में प्रीतम के ढाबे पर खाना खाना है या नहीं? ओ यस, उसे कैसे मिस कर सकते हैं। कम ऑन सलोनी। चलो, हमें इतनी खुशी है तारा कि आज सब कुछ ठीक ठाक हो गया। सुनो, आज मन्नत पूरी होने की खुशी में तुम्हारे लिए खास पूजा की थी हमने, इसलिए प्रसाद सिर्फ तुम्हारे लिए, खा लो। थैंक यू जीजी। अरे थैंक यू की क्या बात है, क्या हुआ तारा? क्या हुआ तारा? चक्कर आ रहे हैं जीजी। ब्रिजेश जी, चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें अचानक तारा? ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी देखिए ना अचानक क्या हो गया तारा को। मारिसा, तारा क्या हुआ, आप ठीक तो है? नींद से आ रही है, बहुत बहुत चक्कर आ रहे हैं। Are you all right? लगता थकान कुछ ज्यादा होगी ब्रिजेश जी। तुम ऐसा करो तारा, तुम गाड़ी में सोते हुए घर चलो, यू विल फील बेटर। ब्रिजेश जी आप सब लोग उस बड़ी गाड़ी में आइए, हम तारा के साथ इस कार में चले जाते हैं। मैं भी साथ में चलता हूं। नहीं ब्रिजेश जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तारा के साथ। आप आइए ना सबके साथ। मैं भी भाभी साहब के साथ आती हूँ, अगर कोई जरूरत पड़ी तो। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। आओ सलोनी। सिंह, गाड़ी में पानी है क्या? जी नहीं, दूसरा गाड़ी में। ओहो, बहुत प्यास लग रही है, कितनी गर्मी है। एक काम कीजिए, आगे किसी दुकान में रुक के जरा कुछ पानी की बोतलें खरीद लीजिएगा। सलोन जी, आगे लेफ्ट में है ना दुकान? है, हाँ है, दिखाई दे रहा है। हाँ इधर साइड में रोक दो मान सिंह। इधर तो कुछ फल की दुकानें भी हैं, देखिए। हम सोच रहे थे जरा फल खरीद लेते, तो हो सकता है उनके पास जूसेस भी हो। सारा की तबीयत ठीक नहीं है, चलें? हाँ चलिए।
इतनी देर कैसे लगा दी? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? बीच में कोई मोड़ भी तो नहीं था ना, सीधी सड़क थी। अब मैं पूछता हूँ सलोनी से। नेटवर्क नहीं है, अब क्या करें? आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक है ना, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ आई आई।
ठीक तो ना? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती सलोनी। मैं ठीक हूँ भाभी सा। नाम तो क्या बताऊं? सलोनी आप लोग ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक हैं। तुमने हैंडब्रेक नहीं लगाया था क्या? हैंडब्रेक लगाया था। लगाते तो गाड़ी बढ़ती क्या? तुम्हारी एक गलती आज इन सबकी जान ले सकती थी। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इन पहाड़ों में हैंडब्रेक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये शहर का ड्राइवर लगता है, पहाड़ों को समझने के लिए पहाड़ों में जन्म लेना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा एहसान किया आपने हम पर, शुक्रिया। एक शुक्रिया भगवान को भी भेज दीजिएगा जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। लेकिन हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यही तो प्रॉब्लम है नार साहब, आज के दौर में इंसान इंसान के जान का दुश्मन बन गया। लेकिन अगर आप मेरे नजरिए से देखो तो ये एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति फर्ज बनता है। I am impressed. काश सबकी सोच आप जैसी होती। आप यही रहते हैं? जी नहीं, हमें तो राजस्थान की मिट्टी खींच लाई। सुना है यहाँ की रेत और पहाड़ियों में गूंजता हुआ संगीत बहुत ही जादू भरा होता है। बस उसी संगीत की तलाश में आया हूँ। अरे वाह, संगीत में तो सलोनी की भी बहुत रुचि है। Oh, really? बहुत अच्छा गाती हैं। एक काम करते हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। मेरे काफी दोस्त यहाँ म्यूजिक कंपनीज में हैं। मैं आपसे उनकी पहचान करा देता हूँ तो आपकी ये संगीत की तलाश पूरी हो जाएगी। जी नहीं शुक्रिया, दरअसल मैं राजस्थानी फोक म्यूजिक की तलाश में हूँ और यहाँ की राजस्थानी म्यूजिक कंपनियों में वो संगीत नहीं मिलेगा। दरअसल मुझे राजस्थान की पहाड़ियों में भटक के ढूंढना पड़ेगा वो संगीत। इसे आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? फरमाइए। यहाँ की धूप बड़ी तेज है, क्या आप सूरज को कश्मीर के साइड शिफ्ट कर सकते हैं? अरे इतने सारे थैंक्स लूंगा तो भारी हो जाऊंगा। ये मेरा कार्ड है, इसके पीछे घर का एड्रेस लिखाऊंगा। जब आपके संगीत की तलाश पूरी हो जाए तो आप घर जरूर आइएगा। नार जी वादा नहीं करता लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। बाय। चलें। अरे ये तो सोनोनी जी का मंगलसूत्र है। ओह नो।
एक मिनट, आज वो दिन है जो अगर माता महाराज की कृपा ना होती तो शायद इस खानदान के लिए काल बनकर आता। उन्हीं का चमत्कार है कि इस घर की दोनों बहुओं की जान बच गई। मैं चाहती हूं इस घर के सारे लोग माता महाराज को ढोक दें। इतनी देर लगा दी तुमने, ऑफिस तो 5 बजे तक का ही है ना? हाँ, पर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस थी ना आज, बस उसी में देर हो गई। क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? अरे कुछ तो अपने शरीर का ख्याल रखो, कैसे हो पाएगा वो भी ये सब इस उम्र में? जितना काम करूंगा उतना पैसा मिलेगा, ओवर टाइम देती है कंपनी, तुम तो जानती ही हो इस वक्त पैसों की कितनी तकलीफ है हमें। अरे कहाँ चलती है, खाना तो खा के जाओ। भूख नहीं है अंबिका, बहुत थक गया हूं, बस सोने का मन है। आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? जीसा के राज खुलने के बाद मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट कोई संजोग नहीं है। मुझे भी यही लगता है। जहर वाली बात के बारे में जानने के बाद मेरा तो जीजी पर से विश्वास उठ गया है। और कौन ला सकता है जहर इस घर में? हमें जीजी पर नजर रखनी होगी और साथ में भाभू और आदित्य बाईसा को भी सावधान करना होगा जीजी से। सही कहा तुमने, अगर हम ये भाईसा को बताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो जीजी के खिलाफ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम जो करना है हमें ही करना है।